नमस्कार दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज से जीएसटी की क्लास अटेंड करूंगा। पहले जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी को लाने का मेन मोटिव था वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, जिससे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अमेंडमेंट्स करके उनमें सुधार लाया जा सके। इंडियन टैक्स सिस्टम में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत टैक्स उसके द्वारा चार्ज किया जाता है जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे जिसके ऊपर एप्लीकेबल किया गया है वही उस टैक्स का पेमेंट कर सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि जिसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है उसके अलावा भी कोई भी उसका पेमेंट कर सकता है। इसमें एक श्रृंखला होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर से पहले टैक्स वसूला गया, गवर्नमेंट को पेमेंट किया, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से टैक्स रियलाइज करेगा, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर को जिससे देगा उससे टैक्स वसूल करेगा। तो ये श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से वसूल तो करते हैं, बट ये अंततः फाइनली केवल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन इसका पड़ता है, ठीक है। और पेमेंट करने वाला होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ले जाके गवर्नमेंट के खाते में जमा कराता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है इनकम टैक्स वो उसी के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है और कोई उस टैक्स को पेमेंट नहीं कर सकता है। आयकर, जैसे बहुत सारे लोगों का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ओवर होने पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स में जिसके ऊपर चार्ज किया रहा है उसके अलावा कोई उस टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में उस टैक्स का कोई भी पेमेंट कर सकता है। केवल उस टैक्स को सही सही फाइनल रिटर्न उसका भरना अनिवार्य होता है, बस इससे कोई महत्व नहीं होता है कि वो किसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है और कौन उसको फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम बता दिए पहले ही, ये 1 जुलाई 2016 को अमेंडमेंट्स करके 101 में, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 101 में अमेंडमेंट्स करके 2016 में 1 जुलाई को जीएसटी को लागू किया गया, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को चेंज करने के लिए एक बहुमुखी कड़ी थी, ठीक है। इसके बारे में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हम सबसे पहले बताने चल रहे हैं आपको। एग्रीगेट टर्नओवर किसे कहते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कुल कारोबार कितना हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर से सेंस होता है कि जितना पूरे ईयर में हम सेल किए हैं, जितना सप्लाई किए हैं, सेल नहीं सप्लाई वर्ड, मतलब जितना सप्लाई मैं रिसीव किया हूँ या जितना सप्लाई मैं पेमेंट किया हूँ, ठीक है, टोटल टर्नओवर ही एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। हाँ, एक केसेस में यह भी होता है कि ये जरूरी नहीं है कि जितना सप्लाईज की गई है टैक्सेबल हो, ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को भी एग्रीगेट टर्नओवर में कलेक्ट किया जाएगा, बट जितना टैक्स का पेमेंट किए हैं गवर्नमेंट को उस टैक्स को उसमें से घटा देंगे, ये होता है एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में जैसे कर मुक्त तो अगर कोई कर है जिसपे कर नहीं चार्ज किया, जैसे एग्रीकल्चर, इस पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, तो जितना सप्लाई किए हो एग्रीकल्चर एरियाज में उसको भी टर्नओवर में शामिल करेंगे जरूर, भले चाहे उसका टैक्स का पेमेंट उस पे किए हो या ना किए हो, ठीक है। तो टर्नओवर से सेंस होता है टोटल सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, किसी भी प्रकार की सप्लाई हो, ठीक है। तो इसमें रिवर्स चार्ज को नहीं सम्मिलित करते हैं, और दूसरा नंबर इसमें जितना टैक्स का पेमेंट हम गवर्नमेंट को किए हैं उसको घटा देते हैं, ये होता है टोटल टर्नओवर, ठीक है। अब एजेंट किसे कहते हैं, एजेंट जान ही रहे हैं, अभिकर्ता होता है एक रूप पे सहायक करने वाला, ठीक है। जैसे सुने होंगे बीमा एजेंट, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट, वो क्या करता है, वो लोगों से बीमा के बारे में राय प्राप्त करता है उनकी, ठीक है, उनको सलाह देता है कि ये वाला बीमा कराने से आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट का भी मोटिव होता है और लाइफ सेविंग का भी मोटिव होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बीमा लोग कराते हैं, एक LIC वाला कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और एक सामान्य बीमा होता है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये एजेंट का काम होता है। इसमें जीएसटी के अंतर्गत एजेंट किसे कहते हैं, जीएसटी के अंतर्गत जो सप्लाई को पूर्ति करता है, ठीक है, ले जाके देता है, मतलब सप्लाई जो रिसीव करता है या सप्लाई जो करता है, दोनों की तरफ से कार्य करने वाला ही, दोनों की तरफ से कार्य करने वाला ही एजेंट कहलाता है जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है। अब एग्रीकल्चरिस्ट क्या होता है, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है कृषक, कोई एक व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है जो कृषि करता हो, किसी भूमि पर कृषि करता हो, ठीक है, कृषि से जुड़ा हुआ वो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत। अब ऑडिट किसे कहते हैं, अंकेक्षण,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जितना रिपोर्ट्स होती हैं, जितना इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको कलेक्ट करके जो ऑपरेटर्स होते हैं इसके, जीएसटी ऑपरेटर्स, ठीक है, उनको फॉर्मेट को पूरा डिटेल्स को, ठीक है, फिलअप करके उनको पेमेंट करना, इनको भेजना, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक माध्यम से। ये ऑडिट कहलाता है, ठीक है, जो ऑनलाइन तरीके से किया जाता है, तो इसको कहते हैं ऑडिट जीएसटी के अंतर्गत। उसके बाद एथराइज्ड बैंक से कहते हैं, एथराइज्ड बैंक का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, ठीक है, जिसको अधिकार दिया गया है टैक्स का कलेक्शन करने के लिए। जो लोग टैक्स को, जिस बैंक में टैक्स को जमा करते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसे एथराइज बैंक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस का मेन अर्थ होता है, कोई पूछे अगर इसकी डेफिनेशन, तो बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट के मोटिव से कोई भी ऐसा कारोबार किया गया जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। ये जीएसटी के अंतर्गत ही नहीं, बाकी कोई भी पूछे, किसी भी प्रकार की अगर डेफिनेशन बिजनेस की कोई पूछ रहा है, तो कोई भी ऐसा कारोबार जो लाभ के उद्देश्य से किया गया, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस वर्टिकल किसे कहते हैं? अब बिजनेस वर्टिकल का मतलब वही श्रृंखला एक आगे, ठीक है, जहां से सप्लाई की जाती है और जहां मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मतलब जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कानपुर में करता है और सप्लाई ले जाके वो मुंबई से करता है, मान लीजिए, ठीक है, उसकी गोदाम जो है मुंबई में, मतलब गुड्स को सप्लाई वहां से करता है बट मैन्युफैक्चर वो कानपुर में करता है। तो ये दोनों जगह के ट्रांजेक्शन जो आपस में होते रहते हैं, लेन देन यहाँ से वहां तक जाने का कार्य, ये पूरा बिजनेस वर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे किसी बिजनेस को आप पहले ओपन करेंगे तो उसमें मशीनरी लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, ठीक है, इट्सेट्रा, जो बड़ी बड़ी कीमतों के जो भी मतलब असर्ट्स उसमें सबमिट किए जाते हैं पहले स्टार्टिंग में, वो कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो बहुत कम कैजुअल केसेस में टैक्सेबल होता हो, बाकी टैक्सेबल ना होता हो। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंतर्गत ऐसा पर्सन आता है जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कर नहीं कराया, मतलब अर्थात इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इनका कोई सप्लाई करने का निश्चित स्थान नहीं है, ये कभी कभी आकर दूसरे स्टेट से यहाँ सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए एक रूल बना है कि ये जहां भी जिस स्टेट में सप्लाई करना चाहते हैं उसमें 5 डेज पहले इनको इन्फॉर्म करना होगा, 5 डेज पहले इनको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ये सप्लाई कर सकते हैं। और एक केस और भी होता है कि ये 3 मंथ के लिए मान्य होता है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं इनकी सप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो 3 मंथ के लिए मान्य होता है, और इसे नेक्स्ट 3 मंथ तक रिन्यूअल किया जा सकता है, ठीक है। ये होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद है सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स जान ही रहे, केंद्रीय कर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जाते हैं उन्हें सेंट्रल टैक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेल्स टैक्स है, परचेज टैक्स, ठीक है, तो ये सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आता है। और मान लीजिए जैसे प्रवेश है, एंट्री टैक्स, ठीक है, तो ये सब स्टेट का आता है, ठीक है, स्टेट टैक्स के अंतर्गत। अब देखिए इसमें कॉमन वर्किंग डेज किसे कहते हैं जीएसटी के अंतर्गत? कोई भी ऐसा डेज जिनको हॉलीडेज के रूप में घोषित ना किया गया हो, मतलब संडे को भी छोड़ दीजिए, प्लस जितना डेज हॉलीडेज में शामिल किए जाते हैं, कोई भी ऐसा त्योहार हो, रिपब्लिक डे हो, तो ये सब क्या होते हैं? ये कॉमन डेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन सबको छोड़कर जो सामान्य कार्य करने के दिन होते हैं उनको कॉमन वर्किंग डेज कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसे कहते हैं? कंसिडरेशन का मेन अर्थ होता है किसी कार्य को करने, मतलब किसी वर्क को करने या ना करने, किसी वर्क को करने या ना करने से जो कुछ हमें मौद्रिक या अमौद्रिक, मॉनिटरी में प्राप्त हो या अमौद्रिक प्राप्त होता है, उसे कंसिडरेशन कहते हैं। उसके बाद है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं? संयुक्त पूर्ति। देखिए कंपोजिट सप्लाई के अंतर्गत आता है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप फॉरेन में सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, ठीक है, और वो शिप के द्वारा गुड्स कमोडिटीज को भेजा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उसका बीमा आप अगर कराएं, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस जो होता है लॉस के लिए, तो अगर आप उसका बीमा भी कराएं, पैकिंग बीमा, ठीक है, दोनों, और गुड्स को भी बेच रहे हैं, मतलब दो चीज उसके लिए सबमिट किए ना, दो एक्सपेंडेड किए हैं, तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किससे कहते हैं? अब डॉक्यूमेंट सिंपल सी बात है,
जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, ठीक है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को प्रोवाइड की जाती हैं ले जा करके, ठीक है, डीटीएस के रूप में, अपने प्रूफ के रूप में कि ये टैक्स का पेमेंट जो किया गया है ये सही है, ठीक है, और पूर्ण रूप से सच है, तो उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जिन इन कागजात की, उनको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। देखिए कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे अब तक क्या था, गैस सिलेंडर चलता था ना, जितना कनेक्शंस होते थे गैस सिलेंडर से होते थे, बट अब ऐसा रूल बन रहा है सरकारी, जितनी भी गैस प्रोवाइड की जाएंगी पाइपलाइन से, जैसे पानी की जाता वो प्रोवाइड किया जाता है पाइपलाइन से, उसी प्रकार गैस का भी कनेक्शन एक दो शहरों में हो भी चुका है, ठीक है, हो रहा है धीरे धीरे। तो केबल, और देखिए केबल या पाइपलाइन के द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज जो डे बाई डे की हो या मंथली हो, ठीक है, उनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं या सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। अब है ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है इसका फुल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का सेंस ये होता है जो सारे सप्लायर्स का, जो सप्लाई करते हैं कमोडिटीज को, सर्विसेज को, सारे सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को ले जाके उनके वेबसाइट पे अपलोड करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। अब है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट का मतलब मुक्त, ठीक है, कर मुक्त सप्लाई, ऐसी कोई भी ऐसा, ठीक है, सप्लाई करना जिस पे टैक्स ना लगता हो, जैसे एग्रीकल्चर एरियाज में कोई भी सप्लाई आप करेंगे तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक को जीएसटी में नहीं रखा गया है, ठीक है, तो ये सप्लाई अगर की जा रही है तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी, ठीक है, टैक्स से इससे कोई मतलब नहीं है वास्ता, इसे एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत गुड्स किसे कहते हैं, जैसे कोई पूछे गुड्स किसे भी कहते हैं, तो देखिए जमीन से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, यहां तक कि उगती हुई फसलें या फिनिश्ड गुड्स हो या रॉ मेटेरियल्स, ठीक है, जो जमीन से जुड़ी हुई, और खास करके फॉर एग्जाम्पल में इसमें घास भी सम्मिलित किया जाता है गुड्स के अंतर्गत, ठीक है, तो उन्हें गुड्स कहते हैं, जो भी जमीन से जुड़ी हुई या जमीन का भाग है वो गुड्स कहलाती हैं। अब इंडिया जीएसटी के अंतर्गत है, एक इंडिया किसे कहते हैं, जैसे कोई पूछे इंडिया का फुल फॉर्म बताओ, या मतलब इंडिया के बारे में बताओ कि किसको कहेंगे पूर्ण रूप से इंडिया, तो देखिए जैसे कोई इंडिया कह रहा है, इंडिया तो देश का नाम है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इंडिया को बताया गया है, जैसे हमारा एयर बेस जहां तक है, ठीक है, उसके बाद वाटर बेस जहां तक है, प्लस ये थल स्थल जहां तक है, ये तीनों को सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब भारत का भाग जहां तक है, भूभाग, जल भाग और वायु भाग जहां तक है, टोटल तीनों को मिलाकर ही इंडिया कहलाता है, ठीक है। अब है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब होता है एकीकृत वस्तु और सेवा कर। इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स से सेंस ऐसा है, कोई ऐसा सप्लाई, ठीक है, कोई ऐसी सप्लाई जो इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट की जाए, इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों में डिफरेंस है, इंट्रा स्टेट वो होता है जो एक ही स्टेट के अंतर्गत सप्लाई की जाए, बट इंटर स्टेट जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करना, मतलब प्रवेश करना, तो वो इंटर स्टेट सप्लाईज होती हैं। जैसे यूपी ने एमपी को सप्लाई की किसी भी कमोडिटीज को, ठीक है, तो उस पे जो चार्ज किया जाएगा टैक्स, वो पहला नंबर तो सेंट्रल टैक्स तो चार्ज ही किया जाएगा सीजीएसटी, और आईजीएसटी भी चार्ज किया जाएगा, और आईजीएसटी का बंटवारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग आधा आधा आपस में कर लेंगे, ठीक है। आईसीएसटी का चार्ज जो इंटर स्टेट सप्लाईज होती हैं उन पे किया जाता है, और फॉरेन सप्लाईज जो होती हैं उन पे भी आईसीएसटी का चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन गुड्स ऑफ सर्विसेज। एक ये लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन का मतलब होता है स्थान, जहाँ गुड्स का स्थान क्या माना जाता है, देखिए जहां से सप्लाई की जाती है गुड्स की, मैंने बताया अभी कि कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, वो मुंबई से गुड्स को सप्लाई करता है, तो वो बिजनेस वर्टिकल है दोनों मिला के, बट गुड्स को जहां से वो सप्लाई कर रहा है, लोगों को प्रोवाइड करा रहा है जहां से, उसको लोकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, बिजनेस का स्थान कहलाता है वो। अब है मनी, मुद्रा किसे कहते हैं। देखिए विवादित दावे जिसपे कोई वाद चल रहा हो, ठीक, इसको छोड़ के बाकी जिस चीज को भी यूज किया जाता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन में, जैसे चेक हो गया, बिल हो गया, हुंडी, विनिमय विपत्र, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर और कैश जो होते हैं, ठीक है, करेंसीज, इन सब को जो लीगल अथॉरिटी प्राप्त की है पहले से,
उनको मनी के अंतर्गत रखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, और आधार में भी मनी का यही डेफिनेशन होती है मनी की। अब एनआरआई, एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, एनआरआई या नॉन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसका सेंस होता है कोई ऐसा टैक्सेबल पर्सन जिसका इंडिया में घर नहीं है, होम टाउन इसका कहीं फॉरेन है, ठीक है, बट वो इंडिया में कभी कभी आकर के मंथली सप्लाईज करता है या ईयरली करता है या हाफ ईयरली कभी कभार वो सप्लाई करने आता है, तो उसको भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ही अंतर्गत 5 डेज पहले इन्फॉर्म करके 5 डेज पहले उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो भी 3 मंथ के लिए मान्य होगा। अब है पर्सन, पर्सन किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी संस्था जो बिजनेस करती है, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, ये सब पर्सन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान। देखिए, बिजनेस मान लीजिए 3-4 ब्रांचेज में चलते हैं, ठीक है, बिजनेस 3-4 ब्रांचेज से सप्लाई की जाती है, बट मैन्युफैक्चरिंग एक जगह की जाती है, तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जहां की जाती है वही प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, जहां से सप्लाई की जाती है वो नहीं होता, ठीक है, या ट्रांजेक्शन एक ही जगह से किया जा रहा है। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन उसका प्रोड्यूसर भी हो और सप्लायर भी हो, शायद किसी दूसरे से वो फिनिश गुड्स रिसीव करता हो, केवल सप्लाई करता हो, तो वो उसकी सप्लाई का स्थान ही प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पर्सन किसको कहते हैं? जिन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है, सेक्शन 23 के अंतर्गत पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो लाइबल हैं, कहने का सेंस 20 लैक्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, खास करके यूपी के लिए, वो रजिस्टर्ड हैं, अगर रजिस्ट्रेशन करा लिए तो रजिस्ट्रेशन पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है सर्विस, गुड्स को छोड़कर किसी भी प्रकार की लेन देन करना सर्विस कहलाता है, मतलब वस्तु को छोड़कर कोई भी ट्रांजेक्शन सेवा कहलाता है, ये साफ साफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लिखा है। कहने का सेंस, अगर रेस्टोरा कोई चलाता है, रेस्टोरा आपको वो भोजन कराता है, बट वो गुड्स के अंतर्गत नहीं आता है, वो सर्विसेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? दूर संचार, मोबाइल, टेलीविजन, टेलीफोन, किसी के भी माध्यम से, ठीक है, अगर एक इंफॉर्मेशन दूसरे के पास पहुंचाई जा रही है तो उसे टेली कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूनियन टेरिटरी, देखिए यूनियन टेरिटरी 5 होते हैं इंडिया में। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी कहते हैं किसको है? जैसे यूनियन टेरिटरी 5 है, पहले ये बता दें कौन कौन है, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली, ठीक है, इस तरह है। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जैसे कोई भी कार्य का ठेका से कराया जा रहा है, कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी ले लेना, ठीक है, एक सर्टेन डेज में ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एक सर्टेन डेज के लिए किसी वर्क को पूरा करने के लिए फाइनेटाइज देने के लिए लिया गया कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये सब थी बेसिक डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंस, इसके साथ हम क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।